प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल वी द लर्नर्स पर। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.3 और लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल रहता था, एग्जांपल नंबर 10, उसको भी देखेंगे। तो देखिए, एग्जांपल नंबर 10, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। एक इरेशनल नंबर आपको निकालना था 1/7 और 2/7 के बीच में। अब 1/7 और 2/7 दोनों क्या है? रैशनल नंबर्स हैं, और हमें पता है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, और उन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में देयर आर आल्सो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। तो हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अब एग्जामिनर आपको स्पेसिफाई करेगा कि आपको एक ही रैशनल नंबर निकालना है, दो या तीन, मैक्सिमम तीन ही पूछता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 1 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है? अच्छे से दिखाएंगे, साइड में आप दिखा सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि 1 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है? प्रॉपर तरीके से वो दिखाएंगे। उसके बाद फिर 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आप डेसिमल फॉर्म में ले आओगे, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन ये आ गई आपके पास। 1 को जब 7 से डिवाइड किया तो क्या आएगी? 0.142857 बार। फिर 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.285714 पे बार। अब इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर आपको निकालना है, तो जो फर्स्ट आंसर है वो क्या दे रखा है? देखो, 0.14। थोड़ा सा हमें पता है कि इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है इन दोनों के बीच में, तो शुरुआत के लिए थोड़ा सा हिंट कहां से मिल सकता है आपको? ये देखो, 0.14, इससे नेक्स्ट ले लो आप नंबर 1/5, ठीक है? फिर 0, 1/5, 0, 0, 1/5, 0, 0, 1/5, फिर 4 0, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि रिपीटिंग भी नहीं होनी चाहिए और टर्मिनेट होने वाली भी ना होनी चाहिए, तभी जाके जो है वो नंबर क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर। कई बच्चे कह रहे हैं कि 1/5 0 रिपीट हो रहा है, 1/5 0 यहाँ आ गया, ठीक है, फिर 1/5 0 आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या आया है? 0 1/5, ना कि 1/5 0, तो एक प्रॉपर सिक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है ये, ठीक है? तो जब तक एक प्रॉपर सिक्वेंस में रिपीट नहीं होता उसको हम रिपीटिंग या रिक्यूरिंग नहीं बोल सकते, ठीक है? तो ये क्या हो गया? नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नहीं है ये। इसी प्रकार 0.15 के बाद आप 1 0.16 लिख सकते हो, 1 0.17 लिख सकते हो, तो इनफाइनाइट नंबर्स आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्लियर? फिर अब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इनको डिवाइड करना है और इनकी डेसिमल एक्सपेंशन आपको फाइंड आउट करनी है, फिर उसकी टाइप को फाइंड आउट करना कि किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन यूज की गई है यहाँ पे। तो 36 को जब आप 100 से करते हो डिवाइड, तो डायरेक्ट कर सकते हो इसको, तो आप ऐसे ही क्या लिखोगे इसको? 0.36, 0.36, क्योंकि नीचे 2 0 है तो ऊपर से 2 काउंट करेंगे, 2 डिजिट, 1 2, और यहाँ पे आ जाएगी डेसिमल, ठीक है? अब ये डेसिमल, अब टाइप बतानी है आपको कि इसकी कैसी टाइप है, टाइप कैसी है? टर्मिनेटिंग, खत्म होगी डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर? नेक्स्ट देखें, 1/11, 1 को डिवाइड करना है 11 से, करो डिवाइड, 1 डिवाइड बाई 11, 0 पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे 0 उतारने से पहले, क्या अब जा रहा है ये? नहीं जा रहा, अब भी नहीं जा रहा, तो फिर से क्या उतारेंगे? नहीं चल रहा तो यहाँ पे चली जाएगी 0, और फिर एक और उतारेंगे 0, अब कितने पे गया? 9 पे, 99। ये दोबारा से देख ले, कैसे बताया है? 1 को डिवाइड करना है आपको 11 से, ठीक है? अब क्या 1 डिवाइड कर सकते हैं? नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? 0 उतारेंगे। अब 0 उतारने से पहले यहाँ पे पॉइंट लगाना होता है, तो ये लगा दिया पॉइंट, और पॉइंट लगा के हमने उतार लिया 0, क्या अब जा रहा है? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो अब 0 वापस, फिर उतारी
जीरो, अब जा रहा है तो ये आ गया 99, कितना बच गया 1, उतारी 0, चल रहा है नहीं चल रहा तो वापस चढ़ा दी 0, उतारी 0, कितने पे गया 9 पे, 99, बच गया 1, उतारी 0, नहीं चला चढ़ाई 0, उतारी 0, कितने पे गया 9 पे, 99, 1, ये इस तरीके से चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि 09 09 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, 0.09 पे बार, ठीक है, क्या लिख देंगे 0.09 पे बार, क्योंकि 09 रिपीट हो रहा है। अब देखें बेटा, जो बच्चे इसमें कंफ्यूजन थी ना जिनको कि 150 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ देखें 09 09 09 कंटिन्यूएशन में है, ठीक है, बीच में और कोई दूसरी डिजिट नहीं है, इसमें क्या है 150 आ गया 150, लेकिन आगे क्या आ गया 015 000 150 फिर 000। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, नॉन रिक्योरिंग, यानी कि नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। या तो कोई भी डिजिट ले सकते हो आप, या ब्लॉक ऑफ डिजिट, वो रिपीट नहीं होगा इरेशनल नंबर्स के केस में, ठीक है। अब ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, खत्म नहीं हो रही है, तो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या ये रिपीट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बार बार जो 09 है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, रिक्योरिंग, या सिंपली बोल सकते हो रिक्योरिंग को आप रिपीटिंग, ना ये खत्म हो रही है और ऊपर से ये रिपीट हो रही है, क्लियर। थर्ड देखें, जो इस टाइप की फ्रैक्शंस होते हैं बेटा, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्रित भिन्न, ठीक है। इनको सोल्व कैसे करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई फिर इसको ऐड करते हैं, 8 चौक 32 और 1 33, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 33 को भाग किया गया है 8 के द्वारा, ठीक है। तो अब डिवाइड करो इसको, 33 डिवाइड बाई 8, कितने पे गया ये 4 1। अब जीरो उतारने से पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट, उतारी 0, कितने पे गया 1, कितना रह गया 2, अब कितने पे गया, तो रिमाइंडर बच गया 0। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गई डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर। नेक्स्ट है 3/13, 3 को डिवाइड करना है 13 से, क्या 3 को हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं, पहले जा रहा है नहीं जा रहा, तो उतारेंगे 0, 0 उतारने से पहले यहां लगाएंगे डेसिमल, ये उतारे 0, अब जा रहा है तो कितने पे गया ये 2, उतारे 0, अब कितने पे गया, अगर 0 उतारने के बाद नहीं चल रहा है तो वापस क्या लगा देते हैं हम, 0, जैसे 1/11 के केस में था, 0 उतारने के बाद ये 10 को क्या था, नहीं चला, तो फिर वापस 0 लगा दी, फिर एक और 0 उतारी, फिर जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से वापस 0 लगा देते हम, तो ये रह गया 1। अब देखो, अब ये हो गया 10, क्या जा रहा है ये इस पे, नहीं नहीं जा रहा, तो फिर क्या करेंगे 0, अब फिर से एक और 0 उतारो, अब कितने जाएगा, नाइन्टी वन, कितना बच गया 9, कितने में जाएगा 9। अब देखो भाई, ये देखो यहां से रिपीट होना शुरू हो गया, ये आ गया जहां, ठीक है, यानी कि ये आगे रिपीट होता रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2307
6 9, फिर से यही रिपीट होगा, 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, यानी कि एक ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है उस पर लगा देते हैं हम बार, और कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी ये, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो खत्म ही नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग बोलो या रिक्योरिंग बोलो, क्लियर। नेक्स्ट है 2 बाई 11, जो फोर्थ है वो है 2 बाई 11, 2 को डिवाइड करना 11 से, ये वाला क्या जा रहा है अभी, नहीं जा रहा, तो उतारेंगे 0 0, उतारने से पहले यहाँ डेसिमल, अब जा रहा है कितने पे गया, 1 9 8 पे, ये देखो फिर से रिपीट होना शुरू हो गया, तो ये इस तरीके से चलता जाएगा, इस पर 0.18 पे बार, 1 8 1 8 1 8, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्लियर। अब लास्ट है 329 को हमें डिवाइड करना है 400 से, ये देखिए 329 को डिवाइड करना है 400 से, ये छोटा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, उतारेंगे 0 0, उतारने से पहले यहाँ लगाया डेसिमल, अब कितने पे गए ये, 8 पे, जो इस टाइप की मल्टीप्लीकेशन होती है बेटा उसमें आप ये शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं, जैसे मान लो 400 है, इसको अगर मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करूँगा मैं, 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 20, उसके बाद जो जीरो है जितनी वो लास्ट में लगा दो, 2 0 है तो ये 2 0 लगा दी, कितनी बड़ी इक्वेशन हो आपके पास, मान लो ये हो गया 25, 2500 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मान लो आपको 2500 से ही मल्टीप्लाई करना है, 25,000 से, तो आपको क्या करना है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 625, और फिर जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के सम को थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। तो 4 को 8 से किया, 8 4 जा 32, और फिर लास्ट में 2 0, अब उतारी 0, कितने पे गया, 100, उतारी 0, फाइव, रिमाइंडर 0, तो इसमें क्या आ गई, ये टर्मिनेटिंग, कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 आ गया, कंप्लीटली सोल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और जो इस टाइप की फ्रैक्शन है बेटा, इसको देखो कैसे लिखते हैं, 33/8 है, अगर मान लो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 1। अब इस टाइप के सम को अगर हमें मान लो मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, यानी कि 33/8 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये जो क्वेश्चन है ये आएगा यहाँ पे, उसके बाद रिमाइंडर जाएगा ऊपर और डिवाइजर आएगा यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ये चला जाता है यहाँ, फिर रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर यहाँ नीचे, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम, ये आ गया 33/8, 4 एंड 1/8, और हिंदी में बोलेंगे 4/1/8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, ठीक है, ये आपको गिवन है,
कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर? आपको इनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है, लेकिन कंडीशन क्या है? विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए इनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे? देखिए 2/7 है जो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो रिजल्ट गिवन है वही हमें यूज करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 4/7 को 4 × 1/7, 5 × 1/7, 6 × 1/7। 2 as it is 1/7 की जो गिवन वैल्यू है 0.142857 bar. सिमिलरली 3 × 0.142857 bar. इस तरीके से आप इनको लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बार को भूल जाओ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो इसकी, तो 7 × 2 = 14, ठीक है? अब 2 की 5 के साथ करोगे कितना आएगा, 10, 10 और 1 11, फिर 2 8 = 16 और 1 17, 2 2 = 4 और 1 5, उसके बाद 2 4 = 8, 2 1 = 2। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो पीछे से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये हो गया। अब बार जो है कितने डिजिट पे है आपका, 6 डिजिट पे है, तो इस पे भी 6 डिजिट पे बार लगा दो। क्लियर, क्लियर है ये? अभी सिमिलरली आप इस नंबर की से मल्टीप्लाई करें, और फिर जो लास्ट के 6 डिजिट्स हैं उनको काउंट करके उन पे बार और फिर उनके आगे पॉइंट लगा देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, ये इस पे आ गया बार 0। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन थर्ड, फर्स्ट है 0.6 bar, आपको इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि एक रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल जो हमने एग्जांपल्स किए थे प्रीवियस वीडियो में, एज इट इज सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है? सबसे पहले तो इसको एज्यूम किया हमने, लेट x इज इक्वल टू 0.6 bar, तो 0.666 ये ऐसे डॉट लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x, और 0.666 इसको मल्टीप्लाई किया आपने 10 से, तो डेसिमल जो है शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, जितने से आप मल्टीप्लाई करते हो, जितनी यहाँ 0 है उतना ही राइट साइड डेसिमल नंबर आपका शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ 0 1 है, 6.666 इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे जितनी 0 होंगी उतना ही डेसिमल आप मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल उतना ही राइट साइड जंप करेगा। अब यहाँ पे 1 0 है तो डेसिमल यहाँ से राइट साइड यहाँ आ जाएगा। क्लियर, इस चीज में जिसको कन्फ्यूजन है वो प्रीवियस वीडियो के एग्जाम्पल्स देख सकता है। अब देखें इसको हमें ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि एक वैल्यू हमारी एक्स की आए, एक्स की वैल्यू क्या थी, 0.666 ये थी, और अब जो रह जाए वो कितना बच जाएगा, 6.666, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 + 0.66, और इधर क्या था ये, एज इट इज 10x। अब क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 6 + जो 0.66 है, ये इक्वेशन 1 से क्या है, ये एक्स, एक्स के इक्वल है ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स, कहाँ से लिखा है ये, फ्रॉम इक्वेशन 1, वेरी गुड।
अब ये एक्स इधर लेके आओगे आप तो टेन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू सिक्स, यहाँ कितना हो गया 9x इज इक्वल टू सिक्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू सिक्स बाई नाइन, नाइन इधर मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड में हो जाएगा। अब कट करो इसको, 3 2 6, 3 3 9, ये आ जाएगा 2/3। क्लियर? तो p बाई q के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। शॉर्टकट क्या रहेगा इसको, अपना आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो, या तो डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देख लो 2 को 3 से, यही डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। या दूसरा तरीका क्या है, जो 0.6 है, 0.6 बार है, अब इसको पहले डेसिमल और ये बार भूल जाओ और इसको एज इट इज लिख दो, कितना नंबर है 6। अब जितने पे बार है उतने ही नीचे डिनोमिनेटर में 9 लिख दो, तो बार एक डिजिट पे, एक पे 9 आएगा, तो 3 2 6, 3 3 9, तो ये भी क्या गया 2/3। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड होता है, चेक कर सकते हैं आप इसे अपना आंसर 0.47 बार। इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म पी बाई क्यू, सेम प्रोसीजर रहेगा बिल्कुल। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.47, अब 7 पे बार है तो यानी कि 7 रिपीट हो रहा है, 0.4777, इस तरीके से। लेट इट बी इक्वेशन 1, ठीक है। अब डिजिट कितनी रिपीट हो रही है, 1, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम, 10 से। सो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, ठीक है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू एक्स, और 0.4777 मल्टीप्लाई बाई 10, ये इधर हो गया 10x इज इक्वल टू। अब इसकी मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो डेसिमल राइट साइड कितना शिफ्ट होगा, जितनी जीरो है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 4.777। ये नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि एक वैल्यू हमारी एक्स की आए, यानी कि 0.4777 ये वैल्यू आए, ठीक है, बाकी एज इट इज। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, इसको किस तरीके से ब्रेक करोगे, इसमें से ये निकल गया, सब्ट्रैक्ट करके देखो 4.777, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या हो गया, 0.4777 है आगे, तो ये सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ तो 0, 7 में से 4 गया 3, और ये आ गया 4, और जो डेसिमल के लास्ट में 0 होती है उसकी कोई वैल्यू होती नहीं, यानी कि 4.3। इस क्वेश्चन के अंदर यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, ये वाला है जो इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा कि 6.66 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 यहाँ लिख दिया बच्चे ने, और फिर आगे 0.66 लिख दिया, इस तरीके से ब्रेक कर दिया, ये वाला 6 यहाँ लिख के आगे फिर 0.66, यहाँ पे भी क्या सोचेंगे फिर 4 यहाँ लिख देंगे, 0.477 यहाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको किस तरीके से करना है, जो आप एक्स की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं इसमें से, उसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो बचेगा वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। यही प्रोसीजर आपको इसमें यूज करना है, 6.666 में से 0.66 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे अब वही मेथड, 4.3 प्लस, ये इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या थी, x, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, x को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4.3, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.3, और 9 उधर जाएगा डिवाइड बाई 9। अब जो 4.3 है, 4.3 मल्टीप्लाई बाई 1/9, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 4.3 की डेसिमल हटाएंगे तो ये आ गया 1043/10,
अब 43 × 1 43, 10 × 9 90, तो ये हो जाएगा पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, जैसे 0.47 था, 0.47 पे बार, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो इसको एज इट इज लिख लो, ये लिख दिया 47। अब जिस पे बार नहीं है, यहाँ पे ट्रिक क्या रहेगी, पहले इसको एज इट इज लिखा, अब जिस पे बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 पे बार नहीं है इसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर 0.4, सिर्फ इतना देखें 0.4, इसको हम क्या लिखते हैं, 4/10, तो 4 तो ये हो गया, हमें डिनोमिनेटर चाहिए, ये आ गया नीचे 10, जितने पे बार होता है उतने 9 आएंगे, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, पहले एज इट इज लिखेंगे, डेसिमल और बार को भूल जाओ, जो वैल्यू है 47, अब जिस पे बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं थी जिस पे बार नहीं था, ठीक है, तो इस ये एज इट इज रहा। फिर जितने पे बार है उतने 9 आएंगे डिनोमिनेटर में, और 0.4 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4/10, तो 10 डिनोमिनेटर का हमने यूज किया, 47 में से 4 गया 43, और 10 × 9 90, तो इस ये होगी आपकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, क्लियर। ये एग्जाम्पल्स में और थोड़ा डिटेल में करा रखी है, वहां से देख लेना। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.001, तीनों पे बार है, ये आ गया अभी बार तीनों पे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि तीनों डिजिट रिपीट हो रही है, 001 001 001, इस तरीके से इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब डिजिट 3 रिपीट हो रही है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको दोनों तरफ, सिंस 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1, क्या गया उतनी 0 लगा दो, 3 0, ठीक है, यानी कि 1000, क्लियर। तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करो, 1000 × x, आगे क्या है 0.001001 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, इधर क्या हो जाएगा, ये 1000 x इज इक्वल टू, जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 है, तो जो ये डेसिमल है राइट साइड 3 जंप लेगी, तो 1 2 3, यानी कि ये आ जाएगी 1.001001, इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही, आपको इसको ब्रेक करना है इस तरीके से कि एक वैल्यू आपकी एक्स की आए, एक्स की वैल्यू क्या है 0.001, ठीक है। अब इसमें से जब 0.001 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वैल्यू में से जब ये वैल्यू चली जाएगी तो क्या बच जाएगा बताओ, 1, ठीक है। सेम मेथड आप यूज कर सकते हो अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो, क्या गया ये 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस ये वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल, x ब्रैकेट में आपने रीजन स्पेसिफाई किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x इधर आएगा तो कितना रह गया, ये 999 x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/999, यानी कि p बाई q की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या है, x इट इंप्लाइज, x की वैल्यू क्या थी 0.001 बार इज इक्वल टू 0.001001, चलता रहा, यानी कि इस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/999, ठीक है। अब इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो कि किस तरीके से यूज करेंगे आप,
ये देखें 0.001 पे बार था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एज इट इज लिख दो इसको, नंबर को जीरो, इसको डेसिमल को भूल जाओ और बार को भूल जाओ, तो क्या नंबर बचेगा, वन। और जिन पे बार है, वन के बाद क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना उस नंबर को जिन पे बार नहीं है, तो ऐसा नंबर कोई है ही नहीं, ठीक है। जीरो को, वन में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या रहेगा, वन ही रहेगा। अब नीचे क्या है, जितने डिजिट पे बार है उतने नाइन आ जाएंगे, तो 999, यही आपका आंसर है। तो इस शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं।